शतरंज खेल को बढ़ावा देते हुए बच्चों में बौद्धिक विकास करने को लेकर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के तत्वावधान में चेस इन स्कूल की शुरुआत की गई है। इसका विधिवत शुभारंभ बालोद जिले से किया भी गया। यहाँ भारतीय चेस एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कलेक्टर जन्मय महोबे विशेष रूप से शामिल हुए। चेस इन स्कूल प्रारंभ होने पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने बालोद कलेक्टर को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार दिल से जताया है और उनके निर्देश पर अब स्कूली बच्चों में शतरंज के माध्यम से उनका बौद्धिक विकास होने की बातें कही है। चेस इन स्कूल, जी हां, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के तत्वावधान में शतरंज खेल की बारीकियां सिखाते हुए बच्चों में बौद्धिक विकास कराने को लेकर पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय स्कूलों में चेस इन स्कूल की शुरुआत की गई है। इसका विधिवत शुभारंभ बालोद जिले की शासकीय शाला से किया भी गया। यहां शुभारंभ अवसर पर भारतीय चेस एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बालोद कलेक्टर जन्मजय महोबे शामिल हुए। बच्चों में भी यहां पर शतरंज को लेकर गजब का उत्साह नजर आया। यहां बच्चों को चेस खेल की महत्ता बताते हुए खेल को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से शामिल जिला कलेक्टर ने भी यहां काफी रुचि दिखाई व बच्चों का उत्साह वर्धन किया। दो चीज है इसमें, एक तो चेस हम बच्चों के लिए काफी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो मेंटल स्टेबिलिटी लाता है, लॉजिकल बनाता है, इसमें साइंस मैथ्स सारी चीज़ है, बच्चों को कंसंट्रेशन बढ़ाता है, पेशेंस बढ़ाता है, डिसिप्लिन में रखता है और क्रिएशन मेन है, क्रिएटिविटी लाता है। आपने देखा होगा लगभग 2 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो चेस हम चालू कर रहे हैं ये ऑनलाइन भी संभव है और ऑफलाइन भी, जो कि कोरोना काफ़ी संक्रमण इसका कम हो चुका है, तो जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होगी तो ऑफलाइन भी हम इसका कंपटीशन चालू करेंगे। इनिशियली हमको लगभग 2 महीने स्टार्ट करने का था, किंतु टारगेट हमारा ये था कि अक्टूबर में चालू कर दें, कोविड की वजह से चालू नहीं कर पाए थे और अभी ये चालू हुआ है और हमारे ज़िले में भी कई प्रदेश स्तर स्टेट लेवल पे खेले हुए बच्चे हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। PTI इसमें इन्वॉल्व है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा और अप्रैल में जब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो इसका हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉम्पिटिशन भी आयोजित करेंगे। तो निश्चित रूप से शतरंज के खेल से लोगों में काफ़ी मानसिक विकास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी और ये ना केवल स्टूडेंट को बल्कि सभी लोगों को ये खेलना चाहिए। वही एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी चेस इन स्कूल की पहल पर प्रकाश डालते हुए मीडिया से पहल को साझा किया व राज्य के मुखिया भूपेश बघेल व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का आभार दिल से जताया। छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे देश में पहली बार हुआ है कि स्कूल शिक्षा के तत्वाधान में शतरंज का बालोद एक शिविर लगा के पूरे स्कूलों में इसका प्रशिक्षण शिविर आरंभ किया गया। इसमें शतरंज के विश्व पितामह विनोद राठी जी, बालोद कलेक्टर और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके दिशा निर्देश पे खेल जो है वो छत्तीसगढ़ में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और अभी वर्तमान में एक इंडिया के ग्रैंड मास्टर के नंबर 1 खिलाड़ी कासलों को से 12 चालों में मदद दे दी, मात दे दी, ये चेस में ही संभव है और मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सभी स्कूलों में चेस की अनिवार्यता दे दी और पूरे देश में ये पहला राज्य होगा जहाँ छत्तीसगढ़ का प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा एक विशेष योजना बनाई गई है चेस इन स्कूल के नाम से। इसका उद्देश्य सिर्फ शतरंज खिलाड़ी तैयार नहीं करना है बल्कि शतरंज से विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसका फायदा भी मिल सके, इसके साथ साथ शतरंज के प्रतिभाएं यदि सामने आती हैं तो उनको तलाशना और उनको तराशना, ये उद्देश्य भी है। जैसे शतरंज खेलने से बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, उनकी याददाश्त, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी, उनकी रीडिंग स्किल, मैच्योरिटी, उनको योजना बनाना, प्लानिंग करने की आदत, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन स्किल, डिसिप्लिन, उनका IQ, बहुत से ऐसे गुण हैं
एनालिसिस करने की एबिलिटी भी इससे आती है। आप दूर तक सोच सकते हो। बहुत से ऐसे गुण हैं जो शतरंज खेलने से स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, और आप भी इससे सहमत होंगे कि ये सारे गुण किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि ये गुण हैं तो व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाए पूरी की पूरी सफलता हासिल कर सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी अपेक्स बॉडी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, उनके जो मेन कर्णधार हैं श्री संजय कपूर साहब हमारे प्रेसिडेंट, हमारे बहुत सक्रिय सचिव जिन्हें हम इतिहास पुरुष कह सकते हैं श्री भरत सिंह चौहान, और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन चेस इन स्कूल के चेयरमैन श्री अजीत वर्मा साहब, इन लोगों ने एक विशेष योजना बनाई और इस योजना को लागू करने का सबसे पहला गौरव भी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है। सर बताएंगे चेस इन स्कूल अभी आपने शुभारंभ किया है अभी 15 तारीख को, यहाँ पर कलेक्टर सर भी आए थे और बच्चों का वहाँ पर उत्साह कैसा दिखा, उन लोगों को शतरंज के लिए कितनी उनमें जागरूकता या लगाव दिखी? जब चेस इन स्कूल प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में लागू करने की जब चर्चा चली तो हमारा फोकस था कि हम विशेष रूप से ग्रामीण अंचल और आदिवासी अंचल को चुने, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ प्रतिभाओं की कमी तो नहीं है किंतु इन लोगों को वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो अवसर नहीं मिल पाते जो कि शहरी बच्चों को अवेलेबल है। तो हमारा फोकस था कि हम ग्रामीण अंचल और आदिवासी अंचलों में जाएं। हम बालोद गए, सौभाग्य से बालोद के कलेक्टर साहब श्री जन्मेजय मोहबे साहब, जब हमने उनकी जिज्ञासा, उनकी सोच, उनकी कार्य क्षमता और उनकी इच्छा को देखा तो हमें लगा कि बालोद एक आदर्श स्थान है जहाँ ग्रामीण अंचल भी है, आदिवासी अंचल भी है, और यदि हम यहाँ से अपनी कार्य योजना को प्रारंभ करते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे भारत में जाएगा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी हमें भरपूर अवसर दिया और हर तरह से प्रोत्साहन दिया, और चेस इन स्कूल के लिए उन्होंने हमें 6 स्कूल दी, जो 5 स्कूल 5 अलग अलग ब्लॉक में है, ग्रामीण अंचलों में है, और एक बालोद से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने हमें दी कि आप यहाँ से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्रेटरी श्री भरत सिंह जी चौहान जब रायपुर प्रवास में आए थे हमारे वार्षिक अधिवेशन के दौरान, तो माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से हमारे संरक्षक श्री गुरुचरण सिंह जी होरा के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष श्री राघवन सिंघानिया जी और दूसरे पदाधिकारी जो हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की, उनको चेस इन स्कूल के बारे में बताया, तो चेस इन स्कूल के बारे में जानकर मुख्यमंत्री जी का जो रिस्पांस था वो बहुत ही उत्साहवर्धक था। उन्होंने भी इसके लिए अपनी पूरी रजामंदी दी और हर तरह शासन के सहयोग का आश्वासन दिया, और उसी क्रम में हम होरा जी के साथ इस प्रोग्राम को हमने विस्तार से चर्चा की और आगे बढ़े। निश्चित रूप से जो रिस्पांस हमने बालोद में देखा, बच्चे इतने उत्साहित थे, सीखना चाहते हैं शतरंज, जो लोग थोड़ा बहुत शतरंज जानते भी थे वो भी और आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह हमको वहाँ दिखा। और ये जो है ये लगभग ये स्थिति पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों में हमें मिलेगी। वहीं यहाँ पर शुभारंभ अवसर पर शामिल स्कूली विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, लर्निंग पावर, जो कि हमारी स्टडी में बहुत फायदेमंद होती है। अभी तक आप कहाँ कहाँ खेले हैं, क्या लगता है अन्य बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? मैं सिर्फ अभी तक स्कूल लेवल तक गई हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और ये बहुत यूज़फुल रहता है क्योंकि इससे हम लाइफ डिसीजंस ले सकते हैं, पेशेंस रहती है इसमें, डिसिप्लिन रहती है, सो इट्स वेरी यूज़फुल। अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंचल यादव।
सर बहुत प्राउड फील हो रहा है और हमारे जो मेट्स हैं वो भी चेस में आगे बढ़ेंगे। और सर जैसे कि मैं सर शुरू से चेस में था, मेरे नेबर से सीखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मेरे को बहुत सारी इम्प्रूवमेंट दिखी और बाकी सब में भी, एकेडमिक्स में भी। और फिजिकल थोड़ा नहीं है पर एकेडमिक्स में इसका बहुत वो होता है और मेंटली बहुत हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं आगे कुछ भी होता है तो। और सर बाकी लोग भी यही करेंगे तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल लेवल पे हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जीवन में हमारी गति क्या होगी, जीवन के अगले क्षण में हमें क्या निर्णय लेना है जो जीवन में लाभदायक हो, इस तरह के कई बौद्धिक विकास शतरंज से होते हैं जो कि स्कूली विद्यार्थियों को नई ऊर्जा, नई राह प्रदान करते हैं। निश्चित ही ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की पहल चेस इन स्कूल विद्यार्थियों के जीवन में सफल व एकाग्र होने में कारगर साबित होगी, ऐसी उम्मीदें जताई जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।